व्हाट्सअप गाइस, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा टॉकीज में। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे जीपैट के लिए या फिर फार्मा कॉम्पिटिटिव के लिए बेस्ट बुक कौन सा है। ये हर एक सब्सक्राइबर से क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि कौन सा बुक बेस्ट होता है, तो आपके लिए बस यही वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो जैसे कि आप बुक स्क्रीन के ऊपर नाम देख रहे हैं, जीपैट एटी और फिंगर टिप्स, जो कि मैं बुक्स फॉलो करता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर जीपैट एग्जाम के लिए, जो कि बेस्ट बुक लगा है मुझे आज तक। तो देख लेते इसका कंटेंट के बारे में। तो ये आ गया आप इसका कंटेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में इसका कंटेंट दिया गया है, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट के अंदर बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स हमारा आ जाता है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ ये बुक ऐसा है जिसके अंदर एमसीक्यू सेट पाया नहीं जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसके अंदर आपको एमसीक्यू सेट या फिर प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपका जो भी टॉपिक है, जो कि जैसे कि आप पढ़ना चाहते हो कि टैबलेट के बारे में, तो टैबलेट के क्या क्या प्रोसेसेस होता है, उसका मैन्युफैक्चर स्टाइल कैसा होता है, उसके बारे में समराइज्ड फॉर्म में आपको डिस्कस किया गया है। ठीक है, समराइज्ड फॉर्म में, लेकिन हर एक टॉपिक को मतलब थोड़ा सा वो समराइज्ड करके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। तो चलते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे फार्माकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आपका फार्माकोलॉजी आ गया है। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिस्कवरी, जैसे कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, इसके बारे में हर एक टेबल फॉर्म के बारे में साइंटिस्ट के नाम के अंदर सब दिया गया है। ठीक है, जिसका आपको पढ़ने में आसानी होगी। और इसके साथ ही जैसे कि आप देख सकते हैं ऑर्फन ड्रग, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज, तो इसके बारे में थोड़ा सा समराइज्ड फॉर्म में आपको दिया गया है। ठीक है, उसके साथ ही आपको ट्रिक भी मिल जाता है, जैसे कि ट्रिक देख रहे हैं आप, SRDDLG का फैन है। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी ड्रग्स हैं सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ट्रिक को फॉलो करके चलोगे या फिर आप थोड़ा सा भी मतलब मेहनत करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है इस बुक से। तो जैसे कि आगे चलते हैं, और तो जैसे कि ये आपको यहाँ पे दिख सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो स्क्रीन टू पॉज करके कितना क्या क्या कैसे लिखा है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि कैसे ये बुक होगा मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए ये बुक मुझे बेस्ट लगा है, इसलिए मैं सोचा कि एक मैं रिव्यू कर देता हूँ इस बुक के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आपको पॉज करके आप सब सारे चीज़ को पढ़ सकते हो ठीक से। ठीक है, ये फार्माकोलॉजी हो गया, मैं एक और सब्जेक्ट के बारे में दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैप के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ, थोड़ा मतलब जो भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा नोट वोट वगैरह कर लेता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही देखिए हैप के बारे में सब दिया गया है, सेल फिजियोलॉजी, ठीक है, सब सारे सब्जेक्ट के बारे में अच्छे अच्छे तरीके से टॉपिक को होल डिस्कस किया गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड के बारे में, हर एक चीज़ के कितना क्या क्या परसेंटेज है हमारे बॉडी के अंदर, सभी का मात्रा लिखा रखा है। ठीक है, उसके साथ ही फंक्शन कैसा उसका सेफ्ट है उसके बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब फार्मास्यूटिक्स देख लेते हैं, फार्मास्यूटिक्स में कैसा है, तो ये देखिए यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आ गया है। ठीक है, साइज रिडक्शन वगैरह ये थोड़ा सा आ गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, अच्छा टैबलेट के बारे में आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारा टैबलेट्स फार्मास्यूटिक्स के अंदर टॉपिक के अंदर आ गया मैं, तो ये फार्मास्यूटिक्स का ये टैबलेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके कि क्या क्या दिया गया है, जैसे कि टैबलेट्स का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उस सारे टैबलेट्स के टाइप्स के बारे में समराइज्ड फॉर्म में आपको दिया गया है, जो कि आपका एग्ज़ाम में से मतलब जहाँ जिस जगह से क्वेश्चन एक्चुअली आता है उस जगह से ही हमारे यहाँ पे समराइज वर्जन में दिया गया है। अगर आप इसको ठीक से पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन हो सकता है। ठीक है, और भी आप देख सकते हो, ये देखिए, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा रिव्यू जीपैट एटी और फिंगर टिप्स के बारे में। तो अब बात आती है इसके प्राइस के बारे में और कहाँ से ये आप बुक खरीद सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे खरीदा हूँ GDC ऐप से, ठीक है,
जीपैट डिस्कशन सेंटर, आप सभी को शायद पता ही होगा, ठीक है। तो मैं वहीं से लिया हूँ, ठीक है, मैं वहीं से ऑर्डर किया हूँ और मुझे इंडियन पोस्ट के द्वारा ये बुक रिसीव हुआ है और मुझे इसका प्राइस कुछ पड़ा है 700, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस जैसे कि आपको दिखा रहा है कि 1200, ठीक है, लेकिन इतना नहीं पड़ा है मुझे, मैं ऑफर में लिया था इसलिए मुझे 700 पड़ा है। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।